सो लेट्स बिगिन द सेशन माय डियर फ्रेंड्स. इस सेशन को कंटिन्यू करने के मेरे पास दो तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुना. पहला तरीका है कि एक बोरिंग लेक्चर की तरह इस वेबिनार को दिया जाए, और दूसरा तरीका है एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ दिया जाए. तो कौन सा ऑप्शन बेहतर है, मैं आपसे आंसर चाहूंगा. एक बोरिंग लेक्चर की तरह इस वेबिनार को कंटिन्यू किया जाए, या एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ इस वेबिनार को कंटिन्यू किया जाए. टू रिस्पॉन्स इन द चैट सेक्शन. जैसा आपका रिप्लाई होगा वैसा ही मेरा वेबिनार होगा. आई कैन श्योर यू आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स कि सर वेबिनार एनर्जेटिक होना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि वेबिनार एनर्जेटिक हो तो मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आपको सेशन को ओपन माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड से सुना. ओपन माइंड मतलब खुले दिमाग से, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक विचार से. ऑलवेज हैविंग लर्निंग एटीट्यूड. माई फादर इज अ प्रोफेसर एक्चुअली, और उनका कहना है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो विदाउट लर्निंग एटीट्यूड के आप आगे नहीं बढ़ सकते. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि मेक श्योर कि आप इस वेबिनार को प्रॉपर लर्निंग एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सुने. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी पहली रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार हैं, टाइप यस इन द चैट सेक्शन. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड. हाउ मेनी पीपल आर देयर जो मेरी पहली रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार है? आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड पीपल. थैंक यू सो मच. माय सेकंड एंड लास्ट रिक्वेस्ट. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मुझे अपनी जिंदगी में ये अचीव करना है, मैं इस पर्पस के साथ वेबिनार देखने के लिए आया हूँ. अगर आप अपने पर्पस को फुलफिल करना चाहते हैं तो आपको इस वेबिनार को एंड तक देखना. पेशेंस इज द पे चेक ऑफ योर सक्सेस. धैर्य ही सफलता की निशानी है. लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनना तो चाहते हैं, लोग ऑनलाइन इनकम करना तो चाहते हैं, लोग इनकम करना तो चाहते हैं, लोग अपनी फैमिली के लिए तो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन 45 मिनट का वेबिनार देखने का पेशेंस नहीं है. तो ऐसे काम नहीं चलेगा बॉस. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड पीपल. मैं आप सभी लोगों से आंसर चाहता हूं, क्या आप इस वेबिनार को कंप्लीटली देखेंगे? आई वॉन्ट प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे प्रॉमिस करते हैं? जो लोग प्रॉमिस करते हैं, मैं आपसे भी प्रॉमिस करता हूं. बीइंग अ होस्ट, ये मेरी आपसे, आई कैन से प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे वादा है कि ये वेबिनार आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक वेबिनार में से एक होगा. लेकिन आपको इस वेबिनार को कंप्लीटली देखना है, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे, आई डोंट थिंक सो कि इस ऑर्गेनाइजेशन या इस वेबिनार से आपका कोई प्रॉफिट होने वाला. इवन आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स. बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर प्रॉमिस मैं इस वेबिनार को एंड तक देखूंगा. थैंक यू सो मच गाइस. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. अब आप लोग चैट बॉक्स पे आंसर नहीं दे सकते, अब हम बात करते हैं. और अगर आपको कोई भी आंसर देना है तो हैंड रेज करके देंगे. माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट 80-20 प्रिंसिपल. इस दुनिया में 100% लोग अपने सपने देखते हैं. एवरीवन वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. आप भी, अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप सभी लोग बोलेंगे सर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं. लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर हर एक इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ क्यों नहीं पाता? अगर हर एक इंसान अपनी जिंदगी में सपने पूरे करना चाहता है तो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके पीछे 80-20 प्रिंसिपल. इस दुनिया में 100% लोग तो अपने जिंदगी में सपने अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से 80% लोगों के सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि वो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट नहीं लगते, क्योंकि उनके पास एक अच्छा सा ब्लेजर नहीं होता है. दी आंसर इज नो. वो अपनी जिंदगी में इसलिए वो ड्रीम अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो ड्रीमर तो है, सपने देखते तो है, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं. और 20% लोग जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो ड्रीमर भी है और उनके पास एक प्लेटफॉर्म भी है. मतलब 80% लोगों के पास किस चीज का मिसिंग है? उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. वो अपनी जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं, बट आई कैन से उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. इन दिस वेबिनार आई एम गोना हेल्प यू पीपल. मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ऑन डेली बेसिस 1-2 घंटे वॉक करके सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, सेल्फ एजुकेटेड हो सकते हैं, और अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली को प्राउड फील करा सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज. पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं. बाय द वे, माय सेल्फ सत्यम नामदेव. आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन 5 इयर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. बाय प्रोफेशन मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं. भारत के हर छोटे बड़े शहर में अपने सेमिनार्स को दे चुका हूं, लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर चुका हूं, चाहे वो फिजिकल इवेंट हो चाहे वो ऑनलाइन वेबिनार्स हो. लाखों लोगों को वेबिनार देखे और हजारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूं. दिस इज ऑल अबाउट मी पीपल. ट्रूली स्पीकिंग, तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि जिस इंसान से आप वेबिनार देख रहे हो वो ऑलरेडी अगर लाखों लोगों को वेबिनार दे चुका है तो ये आप कॉन्फिडेंट रहें. और मैं आपको कॉन्फिडेंस आई कैन देना चाहता हूं कि वेबिनार आपके लिए 100% प्रोडक्टिव होगा और ये 45 मिनट आपके लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट 45 मिनट में से एक होगा.
By the way, who is this for? ये जो वेबिनार है वो किसके लिए? People are thinking about, सर मैं स्टूडेंट हूँ, सर मैं एम्प्लॉय हूँ, सर मैं हाउस वाइफ हूँ, क्या ये वेबिनार मेरे लिए है? तो मैं आपको बता दूं, whether you are a student, employee, housewife, doesn't matter. आप किसी भी क्षेत्र, वर्ग, जाति, कहीं से भी बिलोंग करते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता. फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने प्रति, आप कितने सीरियस हैं इनकम करने के प्रति, आप कितने सीरियस हैं अपनी फैमिली के प्रति. इफ यू आर सीरियस अबाउट योर फैमिली, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर सेल्फ, देन दिस वेबिनार इज फॉर यू. एक्चुअली डजंट मैटर क्या कलर है, क्या रंग है, किस जाति से आते हो, कहां से, भारत के किस कोने से आते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता. फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या आपका पर्पस सही है इस वेबिनार को देखने का. अगर आपका पर्पस सही है, मोस्ट वेलकम इन दिस वेबिनार 100%. आप कुछ ना कुछ यहाँ से अचीव करके आओगे जाओगे. बस आपको पेशेंस के साथ आने वाली 45 मिनट मेरे साथ बने रहे. बाय द वे, जब बात इनकम की हो रही है, जब बात वर्क फ्रॉम होम की हो रही है, जब बात इनकम की हो रही है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की हो रही है, तो मुझे आपसे जानना है, हाउ मच मनी आर यू मेकिंग नाउडेज? आई एम आस्किंग टू यू पीपल, कितना रुपए महीने का आजकल अर्न कर रहे हो? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड. सम पीपल आर थिंकिंग, सत्यम सर कैसी बात कर रहे हो? अगर इतना ही इनकम कर रहे होते तो वेबिनार देखने की क्या जरूरत थी? आई नो वेरी वेल. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इनकम ही कर रहे होते तो मैं वेबिनार पे रजिस्टर ही क्यों करता. सही बात, मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ, बट फिर भी आप खुद से पूछो. मैं जानता हूँ 90% पीपल आर देयर, इवन मोर देन 90% पीपल आर देयर, जो कोई ना कोई इनकम अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं. मैं आपको एक डेटा बताता हूँ. आई कैन से भारत में अगर आपको एक एवरेज लाइफ, एक सर्वे किया गया कि भारत में अगर एक इंसान को एवरेज लाइफ जीनी है तो महीने का कितना कमाना पड़ेगा. सर्वे में आया अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आप एक एवरेज लाइफ जी सकते हैं. बट आप जान के हैरान हो जाएंगे, भारत में लेस देन 5% पीपल आर देयर जो 50,000 है उससे कम कमा रहे हैं. 95% लोग लेस देन 50,000 रुपीज कमा रहे हैं. मतलब भारत की 95% आबादी बिलो एवरेज लाइफ स्पेंड कर रही है. अब बिलो एवरेज लाइफ का मतलब आप समझते हो, खाने पीने घूमने लिखने पढ़ने हर चीज से कॉम्प्रोमाइज. भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए, लोन लेना पड़ता है. शादी आ जाए घर में, लोन लेना पड़ता है. कोई आई कैन से दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ता है. ये होता है बिलो एवरेज लाइफ. अब आप बोल रहे होंगे कि सर सॉल्यूशन क्या है, ये तो मुझे भी पता. आई नो वेरी वेल, आपको भी पता है. कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या करें सर, पढ़ाई छोड़ देंगे. कुछ वर्किंग प्रोफेशनल सोच रहे होंगे सर बाहर जॉब नहीं है, क्या किया जाए. हाउसवाइफ सोच रही होंगी घर का ख्याल रखें या कुछ इनकम करें. एग्जैक्टली, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. आपके पास एक ऐसा एसेट है जिस एसेट का नाम है सोशल मीडिया. माय डियर फ्रेंड, सोशल मीडिया में आज दो तरीके के लोग एक्टिव है, दो तरीके यूजर्स एक्टिव. एक वो जो एंटरप्रेन्योरशिप पर्पस के लिए सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और एक जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं. आई एम आस्किंग टू यू पीपल, आप किस कैटेगरी में आते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग घंटों सोशल मीडिया पे बेस कर रहे हैं, और कुछ लोग कुछ घंटे यूटिलाइज करके लाखों रुपए महीने का रेवेन्यू जनरेट कर. भारत में ऑन एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड अराउंड 5 आवर्स इन अ डे इन सोशल मीडिया. एक्चुअली अगर आप 24 घंटे में से 8 घंटे सोते ना, तो 16 घंटे में से 1/3 ऑफ योर लाइफ यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ इन सोशल मीडिया ओनली. इवन यू आर वेस्टिंग योर लाइफ इन सोशल मीडिया. क्या किया जाए? माय डियर फ्रेंड्स, उन लोगों को देखो जो सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, हजारों रुपए अर्न कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं. दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड. आई नो वेरी वेल, आप वही देख के इस वेबिनार को देखने के, आप अपने देश अपने दोस्त की इनकम को देख के, आप अपने दोस्त की ग्रोथ को देख के, आप अपने फ्रेंड के सक्सेस को देख के आए हैं कि यार ये कर रहे हैं तो चलो मैं भी देखता हूँ कैसा ये क्या कर रहे हैं. बाय द वे, व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस वेबिनार, 3 सिंपल स्टेप. आपकी एक्सपेक्टेशन को 100% फुलफिल करूंगा और 3 सिंपल स्टेप बताऊंगा. कोई टेक्निकल बात नहीं, कोई डिफिकल्ट बात नहीं, कोई कंफ्यूजन. डायरेक्टली टॉपिक पे आऊंगा, जैसे कौन से 3 सिंपल स्टेप हैं जहां से आप सोशल मीडिया के थ्रू इनकम करना कर सकते हैं. बाय द वे, जब बात सोशल मीडिया से इनकम करने की हो रही, जब बात सेल्फ डिपेंडेंट होने की हो रही है, और ऑनलाइन बिजनेस की ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू इनकम कैसे हो सकती है? फोटो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके आप इनकम नहीं कर सकते. अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू इनकम करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा. और ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करने के क्या फायदे हैं? 4 सबसे बड़े फायदे. पहला फायदा है करंट सिचुएशन. कोरोना में 99% बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, शटर डाउन हुए. आई कैन से बहुत सारे लोगों के तो आई कैन से शटर बंद हो चुकी है. बट ऑनलाइन या डिजिटल बिजनेस एक लौता ऐसा बिजनेस है जो कोरोना के टाइम पे भी पीक पे चल रहा है, इवन बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है. क्यों? क्योंकि
ऑनलाइन इज लाइक इंटरनेट, इंटरनेट को कभी भी कोरोना नहीं होता, दिस इज द गुड थिंग. सेकेंड थिंग दैट इज सोशल मीडिया मार्केट. कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छे मार्केट की जरूरत होती है, और आज सोशल मीडिया से अच्छा मार्केट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट गैदर, इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन. आपने देखा होगा 100 लोगों को आपने एक साथ नहीं देखा होगा, लेकिन आपने 100 लोगों को एक साथ ऑनलाइन, हजारों लाखों लोगों को एक साथ ऑनलाइन जरूर देखा होगा. दिस इज द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मार्केट. मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर मार्केट भी है. थर्ड वन दैट इज डिजिटलाइजेशन. ये जो करेंट आई कैन से डिजिटलाइजेशन 2025 में आना था, कोरोना की आने की वजह से डिजिटलाइजेशन 2021 में आ गया. इसकी वजह से फायदा पता क्या हुआ, डिजिटल बिजनेस को डायरेक्टली बेनिफिट हुआ, क्योंकि डिजिटलाइजेशन और डिजिटल बिजनेस एक दूसरे से कनेक्टेड है. एंड थर्ड वन, फोर्थ वन दैट इज स्केलेबल. आप अपने घर में बैठ के भारत के किसी भी कोने में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो. जैसे कि मैंने इस वेबिनार में पूछा था आप कहाँ से हैं, तो पीपल आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, बिहार, उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, हर जगह से लोग आज हमारे पास वेबिनार देख रहे हैं. Is that clear? These are the benefit of digital, actually digital business. How many people are there? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको digital business का फायदा समझ में आ गया? I want to see those hands. अब ऐसे काम नहीं चलेगा, answer तो देना पड़ेगा. I want to see those hands. There are more than 400 plus people and I am getting answer from 40 people. बाकी के लोग सो रहे हैं. I want answer from your side. Come on everybody. सो के काम नहीं चलेगा. थोड़े से you know. I'm that kind of trainer, I'm that kind of presenter. जहाँ पे energy देता हूँ तो energy लेता भी. Is that clear? It's all about give and take. I want to see those hands. Come on everybody. जिन लोगों को online business का फायदा समझ में आ गया, come on, do response. How many people are there जिन लोगों को online business का फायदा समझ में आ गया? I'm getting 100 plus response actually, but still I want more response. हाँ जी, अगर आप इस webinar को सुन रहे हैं और reply नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या है कि कोई cricket ground में match तो देख रहे हैं लेकिन शोर नहीं मचा रहा. Is that clear? I'm getting response from your people. Now listen to me carefully. अगर ऑनलाइन बिजनेस करना बेनिफिशियल है, अगर ऑनलाइन बिजनेस से फायदा होता है, तो आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यार, Why are you not starting any kind of online business? क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं. प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है. फर्स्ट प्रॉब्लम होती है टेक्निकल स्किल. अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, यू नीड टू बी टेक्निकली स्किल्ड, और हर एक इंसान टेक्निकली स्किल्ड हो इतना जरूरी नहीं. दूसरा प्रॉब्लम होता है दैट इज अ रिस्क, हायर रिस्क. भाई 2-4-5 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और इतना पैसा इन्वेस्ट करना इस टाइम पे आत्महत्या करना जैसा है. किसके पास 5 लाख रुपए एज अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, इन्वेस्ट करने के, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है. थर्ड वन दैट इज गाइडेंस. चलो जैसे तैसे करके पैसा जुगाड़ कर भी लिया, तो अगर सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगा तो वो 5 लाख रुपए पूरा डूब जाएगा. It's a very, very difficult task actually. Fourth one, that is a trust. Market में इतना competition है, खुद की organization के लिए लोगों के मन में trust build करना बहुत difficult. तो ultimate है, तो आपके पास कोई system नहीं. हाँ जी, करना तो चाहते हो लेकिन कोई system नहीं है, कोई mentor नहीं, कोई guidance नहीं, कोई platform नहीं है. By the way, let's talk about the solution. Problem गिनाने के लिए मैं इस webinar को नहीं दे रहा हूँ, I know, और ना ही problem सुनने के लिए आप इस webinar में आए हैं. आप आए हैं problem का solution लेने के लिए. तो solution क्या है? अब मैं आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन आप जैसे हजारों लोगों की यूथ को, आई कैन से उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस. हजारों लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं, और सेल्फ डिपेंडेंट बनकर अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को प्राउड फील करा रहे हैं. जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है विश्वविद्यालय, विच इज वन ऑफ इंडिया लीडिंग एडटेक फॉर्म. विश्वविद्यालय इज लर्निंग एंड अर्निंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आप लर्निंग करने के साथ अर्निंग कर सकते हैं. विश्वविद्यालय कोई गली मोहल्ले में चलने वाले इंस्टीट्यूट नहीं है. BRMCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर गाइडलाइन को फॉलो करके हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ऑलरेडी रजिस्टर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर गाइडलाइन को फॉलो कर. हमारा एम क्या है? अवर एम इज टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस बाय मेकिंग अवर जनरेशन स्किल्ड एंड एम्प्लॉयड. हमारा उद्देश्य आपको स्किल्ड बनाना और एम्प्लॉयमेंट देना, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिजनेस ऑनर बनाना. अभी हम ना जाने हजारों लोगों को बिजनेस ऑनर बना चुके हैं, और हमारा टारगेट है कि हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिजनेस ओनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि 130 करोड़ की पॉपुलेशन में हर एक इंसान की जॉब लगे, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. बट एक इंसान बिजनेस ओनर बनेगा तो 2-4-5 लोगों को आई कैन से एज एन एम्प्लॉय रख तो पाएगा. हाउ विश्वविद्यालय सॉल्व योर 5 फियर्स. जो 5 प्रॉब्लम्स, जो 5 डर थे, वो कैसे सॉल्व हो गया? पहली प्रॉब्लम थी दैट वॉज टेक्निकल. तो अगर विश्वविद्यालय में आप एसोसिएटेड है तो आपको कोई भी टेक्निकली स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है. अगर आपको सेलफोन चलाना आता है तो आप बहुत इजीली सोशल मीडिया के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनकम कर सकते हैं.
Second thing, there is no risk in this organization. Even you don't need to invest 5,000 rupees. Listen to me carefully. क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, सही कह रहा हूँ. 5,000 रुपए भी invest करने की जरूरत नहीं है. तो tension तो लेना ही नहीं. Third one, that is proper guidance. आपको हमारी organization में highly educated trainers के साथ दिया जाता है. This is what we have to understand. आपको जो guidance दिया जाता है, properly दिया जाता है. Fourth one, that is a trust. आपको जो सर्विसेज दी जाती हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जो लोगों की डिमांड है, जो लोगों की नीड. लाइक आपने सुना होगा डिमांड एंड सप्लाई, जो लोगों की नीड है वो हम सप्लाई कर. अल्टीमेट है तो आपके पास प्रूवन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसको फॉलो करके आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर अगर सिस्टम इतना अच्छा है तो लोग आगे बढ़ रहे होंगे? तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आई कैन से चाहते हैं कि सर मुझे भी कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए? हाउ मेनी पीपल आर देयर? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे तो थोड़ा सा ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, थोड़ा सा भरोसा आ जाए? हाउ मेनी पीपल आर देयर? आई वॉन्ट टू सी दोज एंड कम ऑन एवरीबॉडी. वेबिनार सिर्फ देखना नहीं है, वेबिनार का रिस्पॉन्स भी देना है, विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड. हाउ मेनी पीपल आर देयर? से यस और नो इन द चैट सेक्शन गाइस. I can say, आप हैंड रेज करके, चैट बॉक्स बंद है, आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं आप में से कितने ऐसे लोग. इवन देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे. नाउ लिसन टू मी केयरफुली, लेट्स टॉक अबाउट दैट पीपल. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गर्ल्स की, क्योंकि भारत में 49% गर्ल्स है, जिसमें से 0.8% गर्ल्स है जो सेल्फ डिपेंडेंट. बाकी की लड़कियां अपने मम्मी पापा भाई बहन पति पे डिपेंडेंट है. एक बात बताओ, जिस देश का 49% पॉपुलेशन अगर किसी और पे डिपेंडेंट होगा तो क्या हमारा देश सेल्फ डिपेंडेंट बनता है? आप में से कितनी गर्ल्स है जो डाउरी के अगेंस्ट है? आई वांट टू सी दोज हैंड. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर जो डाउरी के अगेंस्ट है? कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत सारी गर्ल्स हैं. एक बात बताओ, डाउरी के अगेंस्ट है तो आप कर क्या रहे? सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड. हाँ, सो आई कैन से आप स्टेटस बना रहे हो, रील्स बना रहे हो, व्हाट्सएप क्या कर रहे हो? आपको समझना पड़ेगा, सोसाइटी को एक पॉजिटिव स्पॉन्स देने की जरूरत है. आई एम प्राउड कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी गर्ल्स आती हैं जो ना केवल खुद के एक्सपेंसेस बेयर कर रही हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रही हैं. मैं बात करना चाहता हूं प्रियंका करती, जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और डेली बेसिस एक से दो घंटे वॉक करके 81, आज उनका जो इनकम लगभग 85,000 क्रॉस हो गया है, वो वॉकिंग 2 hours इन अ डे. रिसेंटली अभी इन्होंने अपनी मम्मी को 70,000 रुपए का डायमंड गिफ्ट किया. एकता वर्की सी मेड मोर देन 70,000 रुपीज. Vishani Vishwas, she made more than 60,000 rupees. Archana Rautel, she made more than 50,000 rupees. Shreya Gupta, she made more than 75,000 rupees. Simran Batra, Nandini Shin, they all are doing very good and they are making very good works from this organization by walking 2 hours in a day. If I talk about boys, agar main ladko ki baat karta hun, Mr. Sainthan Chakrabarty, sir, by profession, he is a teacher. And he made more than 81,000 rupees by walking 2 hours in a day. Apne school ko, college ko continue karke aaj humare saath walk kar pa rahe hain. मिस्टर वरुण शर्मा एक 12th के स्टूडेंट होने के बावजूद 60,000 रुपए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. रवीश अग्रवाल बाय प्रोफेशन वर्किंग प्रोफेशन से आते हैं बट स्टिल मेक आई कैन से मेकिंग अराउंड 65,000 रुपीज. मिस्टर अभिषेक बरुआ, सुभिदुक्त पाल, मिस्टर सूरज कुमार ओझा मेड मोर देन अराउंड 28,000 रुपीज बाय वॉकिंग 2 hours इन अ डे. अगर आप कुछ ऐसे लोगों के नाम जानना चाहते हो जिन्होंने रिसेंटली हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, कृतांजलि गुरुंग सी मेड मोर देन 28,000 रुपीज, दीप्ति सी मेड मोर देन 45,000 रुपीज, प्रियंका छेत्री सी मेड मोर देन 38,000 रुपीज, प्राक्षणी मेड मोर देन 35,000 रुपीज, रामकृष्ण, हर्ष श्रीवास्तव, दे आर डूइंग वेरी 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 गुड जॉब एक्चुअली. रिसेंटली अभी हमारे साथ एक मिस्टर अभी नाम के एसोसिएट ज्वाइन हुए, जिनको 2 से 3 दिन हुआ होगा और जिनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 16,000 रुपए. 2 दिन के अंदर ही मेड मोर देन 16,000 रुपीज वो वर्किंग 2 hours दे एक सॉरी. अब सवाल ये है कि वो पॉसिबल कैसे? How is it possible? You are thinking about कि सर 2 दिन में तो प्लेटफॉर्म के बारे में सही से पता भी नहीं चलता है. 2 दिन में पता नहीं चलता है कि क्या प्लेटफॉर्म है, वो क्यों हम अर्न कर पा रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा. मिस अंकिता चौधरी 1 lakh रुपए रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है बाय कॉलेज गोइंग स्टूडेंट. मिस अनिकेत सिंह चौहान मेड मोर देन 1 lakh रुपीज बाय वॉकिंग 2 hours इन अ डे एंड ही इज आल्सो अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट. मिस्टर ध्रुव विजय सिंह सर, ही मेड मोर देन 2.8 lakhs रुपीज, 2,80,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं. My dear friends, I can say he is an inspiration for all the people. जिस टाइम पे लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, पैसों के लिए सर्वाइव कर रहे थे, उस मोमेंट पे अपने वेस्टिंग टाइम को यूटिलाइज करके he made more than 2,80,000 rupees. My dear friends, just listen to me carefully.
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि अगर इतना इनकम मेरा भी हो जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा? आई वॉन्ट टू सी दोज़ हैंड्स। हाउ मेनी पीपल आर देयर जो बोलते हैं अगर इतना इनकम आप करने लगोगे तो कम से कम खुद के लिए तो बेनिफिट होगा। वेस्टिंग टाइम को करने से तो अच्छा है, वेस्ट टाइम को करने से अच्छा है ना उसको यूटिलाइज करें और इतना डेवलप करें। तो ये तो बात हुई इनकी, अब बात कर लेते हैं आपकी। हाउ यू कैन ऑनलाइन यूजिंग बिजनेस, हाउ यू कैन अर्न ऑनलाइन यूजिंग दिस विद्यालय प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म में एक बिजनेस मॉडल है जिसका नाम है आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। अब आईबीओ बनने के क्या फायदे? देखो, अगर आपको कहते हैं इनकम करनी है तो आपके पास मार्केट में तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप जाके जॉब करो, उसके लिए आपको 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है बिजनेस करो, उसके लिए आपको 2-4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 8 से 10 घंटे देना मुश्किल है बीइंग स्टूडेंट, 2-4 लाख-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना भी मुश्किल है बीइंग स्टूडेंट। तो करें क्या? आप क्या कर सकते हो? कोई ऐसा तरीका ढूंढो जहां कम समय, कम मेहनत, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिले, और वो ऑप्शन है विश्वविद्यालय में आईबीओ एज एन आईबीओ वर्क करने का। इन लोगों को ये बात समझ में आ गई थी, इन्होंने हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और वो आज इनकम कर पा रहे। हाउ यू कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, एक आईबीओ आप कैसे बन सकते हैं? क्योंकि आईबीओ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग। विदाउट लर्निंग यू कांट अर्निंग, आपने सुना होगा। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक योर लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक योर फॉर्च्यून। फॉर्मल एजुकेशन आपको एक लिविंग दे सकती है, बट सेल्फ एजुकेशन आपको आपके सपनों, आपके ड्रीम्स तक आपको पहुंचाती है। अभी आप फॉर्मल एजुकेशन के लिए तो कॉलेज जा रहे हो डिग्री के लिए, लेकिन सेल्फ एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हो? आई एम आस्किंग टू यू पीपल। मोर देन 95% स्टूडेंट जो सिर्फ अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। और जो 5 से 10% लोग सेल्फ एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जिसकी की वजह से डिग्री लेने वालों की जॉब नहीं लगती, डिग्री होने के साथ जो स्किल्ड होते हैं, जो सेल्फ एजुकेटेड होते हैं, वो अपने लाइफ में अपने आप को फ्यूचर को सिक्योर कर पाते और आगे बढ़ पाते। हाउ यू कैन बी सेल्फ एजुकेटेड विद अस विद थ्रू आवर पिनाकल पैकेज। एक्चुअली हमने एक ऐसे पिनाकल पैकेज को डेवलप किया जिसके माध्यम से आप किसी भी फील्ड में आप अपनी फील्ड में 100% पीक तक पहुंचेंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, जिसमें हम आपको 5 हाई इनकम स्किल सिखाते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, आई कैन से वीडियो मेकिंग। ये कैसी स्किल है? ये हाई इनकम स्किल है, ये आज हाई डिमांडिंग स्किल है। अगर आप इन स्किल को सीखते हो तो अगर आपका जॉब भी नहीं लगता है तो आप इजिली 10-20-40-50 हज़ार रुपए अर्न कर सकते हो, और अगर आपका जॉब लगेगा भी तो इन स्किल का आपकी जॉब में बहुत बड़ा योगदान रहेगा, काम रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्किल्स को लर्न करना जरूरी है। क्यों? कौन बोल रहा है? भारत के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, मोटिवेशनल स्पीकर लाइक संदीप महेश्वरी, इनका कहना है अगर मैं 18 साल का हो जाऊं तो डिजिटल मार्केटिंग करूंगा क्योंकि इसकी नीड है। पब्लिक स्पीकर मिस्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से $1 मिलियन की कंपनी खड़ी करी है और लाखों रुपए दिन का अर्न कर रहे हैं। हिमेश मडान, जिन्होंने आई कैन से एक वीडियो मेकिंग स्किल के माध्यम से मिलियंस का फॉलोअर्स का एक फैमिली बनाया और लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। आप में से किसी को भी इनकी डिग्री के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आप सभी को इनकी स्किल के बारे में जरूर पता। माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन से आज हमारे लिए स्किल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एंड कोडिंग लैंग्वेज, जो आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, जिनका नाम है मिस्टर सृजय दत्ता सर, जो आपको कंटेंट मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, ये सारी चीजें सिखाने वाले, जो 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, खुद का एक डिजिटल एजेंसी रन कर रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग और वीडियो मेकिंग मास्टरी, जो सिखाया जाएगा मेरे द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एंड थ्रू पब्लिक स्पीकिंग आई ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री, हजारों लाखों लोगों को मैं पब्लिक में वेबिनार ट्रेनिंग दे चुका हूँ, फिजिकल आई कैन से इवेंट्स में प्रेजेंट रह चुका हूँ जहाँ पे मैंने ये स्किल सीखी है। तो आपको जो भी चीजें सिखाई जाएंगी किसी ऐसे ट्रेनर के साथ नहीं जिसने किताबें पढ़ पढ़ के आपको कोई चीज सिखा रहे, जो भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी वेल एक्सपीरियंस टीचर्स ट्रेनर्स के साथ आपको सिखाया जाए। नाउ द क्वेश्चन राइज, ये कोर्सेस करने के लिए कितना पे करना है? हाउ मच मनी यू हैव टू पे फॉर लर्न दीज काइंड ऑफ स्किल एक्शन? अगर मैं मार्केट की बात करूं तो यू हैव टू पे मोर देन 30,000-40,000 रुपीज, पर 30,000 से 40,000 रुपए हम आपसे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग अपने, हम एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते, जहाँ पे महीने की इनकम ही 20-30 हज़ार है, वो इंसान 20-30 हज़ार किसी कोर्स के लिए नहीं पे कर सकता। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, और आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपके चेहरे पे एक स्माइल आने वाली है, बिकॉज यू विल गेट ऑल द थिंग्स जिसका जो वैल्यू है, दैट इज ऑल अबाउट, जिसका वैल्यू मोर देन 30,000 रुपीज है, you will get in just 3500 on where you will get 15 days live session, 100 hours recorded lecture, HD content, verified certificate, internship and ebooks, और जो आपको live session दिए जाएंगे वो business के दिए जाएंगे। अब सवाल यह होता है, यहाँ पे present कुछ लोग 3,500 रुपए देख के बोलेंगे, oh my god, क्या इतना pay मुझे करना पड़ेगा? Tension नहीं, listen to me, क्या
अगर आप इस वेबिनार को एंड तक देखते हो तो मेरी तरफ से आपको कुछ बेनिफिट जरूर दिया जाएगा, लेकिन किसको दिया जाएगा, किसको, जो वेबिनार एंड तक देखेगा। सो मेक श्योर पीपल, आने वाले 15 मिनट आपके पूरे साल को बना सकते। मैंने आपसे बोला था पेशेंस इज द पेचेक, और अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अभी मैंने आपको बताया था कि आप लर्न कैसे कर सकते हो, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अर्न कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था आईबीओ प्रोग्राम के बारे में, तो आईबीओ प्रोग्राम में कैसे ज्वाइन होना है, पहले वेबिनार पूरा देखो, खुद से सोचो समझो मत, पहले वेबिनार देखो, उसके बाद डिसीजन लो, फिर हमारे साथ अपनी ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट करो। विश्वविद्यालय इज प्रोवाइडिंग टू टाइप ऑफ इनकम, फर्स्ट वन दैट इज एक्टिव, सेकंड वन दैट इज पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, काम करोगे पैसा आएगा, पैसिव का मतलब कम काम करोगे तो भी पैसा आएगा। पॉसिबल कैसे, विश्वविद्यालय आपको पैसा क्यों देता है? कई लोग पूछते हैं सर विश्वविद्यालय के पास ज्यादा पैसा है, कई लोग सोचते हैं कि सर कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। लिसन टू मी केयरफुली, हम एक बिजनेस मॉडल के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है शेयरिंग इन केयर। किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है जिस प्रोडक्ट को एक ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट करता है, और ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट क्यों करता है, उसको पैसा मिलता है। जैसे एक बिमल गुटका है, उसका एडवर्टीजमेंट कौन करता है, शाहरुख खान, अजय देवगन, फ्री में एडवर्टीजमेंट करते हैं क्या, नहीं, लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, और आपको लगता है कि वो बिमल खाते होंगे। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का एडवर्टीजमेंट करता है, आपको एक, आपको लगता है वो एक रुपए का तेल लगाते होंगे, नहीं लगाते, लेकिन क्यों एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम किसी एक एक्टर को हायर करके बोलते कि विश्वविद्यालय के पिनेकल पैकेज को परचेज करो। उसमें होता क्या है कि वैल्यू फॉर मनी बढ़ जाती है। अब आपको क्या होता है, जो चीज हम आपको 275 रुपीज में दे रहे हैं, वही चीज हमें आपको 20,000 में देनी पड़ती है। तो हमने क्या किया, शाहरुख खान को रिप्लेस करके आप लोगों को लेके आने की कोशिश की। अब आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या बन जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। आप हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर पाते हैं एज एन आईबीओ, और जब आप प्रमोट करते हैं तो जो पैसा एक इंसान ब्रांड एम्बेसडर को देता है वो पैसा हम आपको देते हैं। वेरी सिंपल, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो मार्केट में लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, लेकिन उनके पास एक सही इंस्टीट्यूट नहीं, ज्यादा पैसा नहीं। लोग इनकम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको क्या करना है, उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में इन्फॉर्म करना है। जैसे कि एग्जांपल, आपका एक दोस्त है जिसका नाम है राम। राम अपने लाइफ में फ्री ऑफ कॉस्ट बैठा हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहा है। आपने बोला राम विश्वविद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑन वे पीपल कैन अर्निंग बाय लर्निंग, टू लर्निंग करने के साथ इनकम कर सकता है, अपने वेस्टिंग टाइम को यूटिलाइज कर सकता है। राम बोलेगा वो कैसे, आपने उसको वेबिनार दिखाया, वेबिनार दिखा के उसने वेबिनार देखा, और वेबिनार देख के उसने इनिशिएटिव लिया खुद के लिए, खुद की जिंदगी के लिए, लेकिन वो पे करेगा विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय आपको उसके बदले में 1600 रुपीज देगा, क्योंकि आपके कहने पे राम ने हमारे प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ है, आई कैन से एडमिशन लिया। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, 1600 रुपीज फ्रॉम ईच रेफरल, दैट विल बी योर एक्टिव इनकम एज एन आईबीओ बोनस आपको आएगा। सेकंड थिंग, अभी तो ये था एक्टिव इनकम, अब पैसिव इनकम आपको कैसे आएगा। पैसिव इनकम लाइक कि जब आप कोई, जब आपके थ्रू राम ने एडमिशन लिया तो राम भी इनकम करेगा, तो राम इस ऑर्गेनाइजेशन से जितनी भी इनकम करेगा उसकी इनकम का 25% आपको आएगा, वो 16,000 करेगा तो 4,000। इट इज नॉट ऑल अबाउट चैन मार्केटिंग, आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। दिस इज, लिसन टू मी केयरफुली पीपल, आप क्या कर रहे हो कि आपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, आपको डायरेक्ट कमीशन मिला, आप जिसको प्रमोट कर रहे हो उसको आप ट्रेनिंग दोगे, सिखाओगे, और जो आप सिखाते हो उसके बदले में हम उसकी इनकम का 25% आपको देते हैं। वेरी सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे सर 1600-1400 से क्या होगा, तो ध्यान से, अगर आप दिन में 2 लोगों को भी वेबिनार दिखाते हो तो आप महीने भर में 60 लोगों को वेबिनार दिखाते हो, और उन 60 में से 10 लोग भी इनिशिएटिव लेते हैं तो भी 1600 के हिसाब से 16,000 रुपए महीने की इनकम, और 1,92,000 साल की इनकम एज एन एक्टिव इनकम होती है। पैसिव इनकम की बात करें, अगर आपने साल भर में 120 आईबीओस किए तो 120 आईबीओ भी तो कुछ सब आईबीओस करे, अगर 120 आईबीओ मिलकर 10 आईबीओस भी करते हैं तो 1200 सब आईबीओस होते हैं। 1200 × 25% उनकी इनकम का, 1200 × 400 करोगे, इट कैन बी मोर देन 4,80,000 रुपीज, 4,80,000, 1,92,000 को ऐड करोगे, इट कैन बी मोर देन 6.5 लाख रुपीज। मैं नहीं कहता कि आप 6.5 लाख रुपए अर्न कर लो, मैं नहीं कहता कि आप इतना पैसा अर्न कर लोगे, लेकिन अगर अपने वेस्ट, अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए यूटिलाइज करके महीने का 1 लाख रुपए, साल भर का 2 लाख रुपए भी अर्न करोगे तो प्रॉब्लम क्या है? क्या अभी इंस्टाग्राम चलाने का पैसा मिल रहा है? क्या अभी फेसबुक चलाने का पैसा मिल रहा है? क्या टाइम वेस्ट करने का पैसा मिल रहा है? नहीं ना, तो टाइम यूटिलाइज करने का पैसा मिल रहा है तो इससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है। कुछ लोग बोलेंगे सर प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छी, सर इनकम तो अच्छी हो जाएगी, घर में बैठ के कुछ काम नहीं करना, सोशल मीडिया के थ्रू इनकम करना है, बट क्या मैं कर पाऊंगा? लोग अपने ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो नोबडी इज अ बॉर्न लीडर, कोई पैदा होते डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर नहीं बनता, सीख के बनता है। वी विल प्रोवाइड अ प्रूवन सिस्टम जहां पे हम आपको प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इनिशियल कॉन्वर्सेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सारी चीजें सिखाते हैं।
अलॉन्ग विद दैट व्हाई विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय करना क्यों जरूरी है बॉस? देखो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने वेस्टिंग टाइम को वेस्ट करते रहो, इज दैट क्लियर, या फिर अपने वेस्टिंग टाइम को यूटिलाइज करके एक सही प्लेटफॉर्म के साथ वॉक करो। माय डियर फ्रेंड्स, अर्ली एज में अगर आप सही प्लेटफॉर्म के साथ वॉक किए तो आपका फ्यूचर ब्राइट होता है। जैसे आई कैन से मार्क जुकरबर्ग की बात करें, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने अर्ली एज में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपका कोई बॉस नहीं होता, आप एज एन बॉस वॉक करते हैं, कोई ऑफिस नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विसेस नहीं, कोई भी चीज आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ हम देते हैं। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, एक्सट्रीमली हाई मार्जिन हम आपको देते हैं, इंटरनेट इज अ लार्ज मार्केट, अपने घर में बैठ के भारत के किसी भी कोने में बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो, पैसिव इनकम भी हम देते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बनने का मौका भी देते हैं, दीज आर द बेनिफिट। अब आप सोचे होंगे सर लर्निंग कैसे होगी, अर्निंग कैसे होगी, तो आप जब एडमिशन लेते हैं तो हम आपको अपने वेबसाइट का एक्सेस देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, जहां से आप लर्निंग के लिए आप हमारे जो वीडियो ट्यूटोरियल्स है HD फॉर्मेट में उनको पढ़ सकते हो, और अर्निंग के लिए आप अपने डैशबोर्ड को चेकआउट कर सकते हो कि कितना क्या इनकम करा। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द पीपल, एक बार आप लोगों के लिए ताली जरूर होनी चाहिए थी, बिकॉज यू विल गेट ऑल द थिंग्स। आपके पास पेशेंस है जैसा कि मैंने आपसे बोला, अगर आप इस वेबिनार को थोड़ा बहुत एंड तक देखोगे, मैंने आपसे बोला था बेनिफिट दूंगा, यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन जस्ट 2975। 3500 देने की जरूरत नहीं है, टुक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड। अगर आप इस वेबिनार को यहां तक देख रहे हैं तो आप ये स्क्रीनशॉट अपने दोस्त को दिखा देना, वो आपको उस रेफरल लिंक के थ्रू 2975 आपका 500 rupees कम करा देगा। दिस इज व्हाट वी आपको अंडरस्टैंड। 2009 हम सब्जी लेने जाते हैं, हम सोचते हैं क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है क्या, आपको वैल्यू फॉर मनी चीज मिल रही है। 2975 में 5 हाई इनकम स्किल जिनका मार्केट वैल्यू 30,000 से ज्यादा है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेशन जिनकी आप कोई वैल्यू ही नहीं लगा सकते, और 10,000 से 1,00,000 रुपए रेवेन्यू जनरेट करने का मौका, इतने सारे प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा। नाउ लिसन टू मी, आने वाले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो चले गए वो चले, जो जाबत है वो खोबत है, आई कैन से इज दैट क्लियर, जो रहबत है वो पावत। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अगर आप 8 मिनट मेरे वेबिनार को सुन लिए तो आई कैन प्रॉमिस यू पीपल आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाए और आपके इस वेबिनार में आने का पर्पस कंप्लीट हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको पेरेंट्स के एक्सपेंसेस पे वेयर करना, आई कैन से पेरेंट्स के एक्सपेंसेस को के पे रहना अच्छा नहीं लगता, मैं उन लोगों के हाथ देखना चाहता हूँ। यार अगर आप इंटरनेट खुद के पैसों से डलवा सकते हो तो पापा से लेने की क्या जरूरत, अगर गाड़ी में पेट्रोल खुद से डला सकते हो तो पापा से लेने की जरूरत क्या, अगर कपड़े खुद से पहन सकते हो तो पापा से लेने की जरूरत क्या, बहुत सारी आई कैन से पर्सनल एक्सपेंसेस है जो हम बेयर करते हैं। अब एक्चुअली इंडिया और यूएसए में होता क्या, यूएसए में 85% यूथ है, क्यों है, यूथ है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि वहां पे एजुकेशन ही है, वहां पे सिखाया जाता है 16 साल के हो गए चलो घर से बाहर निकलो कुछ काम करो, वहां पे बराक ओबामा की लड़की भी मैकडॉनल्ड पे काम करती थी। लेकिन इंडिया में क्या है, तुम जब तक तुम्हारा जॉब ना लग जाए, चाहे 25 के हो जाओ चाहे 30 के हो जाओ, बाल कटवाने के लिए भी तुम मेरे से पैसा लो। आपको ये समझना पड़ेगा, 2021 सेंचुरी है, 2020 सेंचुरी, लोग खाने पीने घूमने पढ़ने लिखने सबके तरीके चेंज हो गए, पैसे कमाने का तरीका कब चेंज करो, जरूरी थोड़ी ना है कि जॉब लगे तभी पैसे कमाओ, अरे जब तक जॉब नहीं लग रहा तब तक भी तो अर्न कर सकते हो ना, मेक श्योर दिस थिंग, देयर शुड बी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर एक जगह से इनकम कर रहे हो तो दूसरा तरीका भी ढूंढो, तीसरा तरीका भी ढूंढो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। इंडिया में क्या है, आप बैठे रहो बस एक जगह से 20,000 रुपए आना चाहिए काम चलेगा, फिर क्या होता है एंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हॉस्पिटल इमरजेंसी आ जाती है, लोगों से उधार लेना पड़ता है। ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ आप लाखों रुपए कमाओ, मैं आपको लाखों लोगों के लाखों रुपए के सपने नहीं दिखा रहा, लेकिन महीने का 15-20,000 रुपए भी कमाओगे और जो आप एजुकेशन का पैसा पापा से ले रहे हो वो खुद बेयर करो, अगर खुद के एक्सपेंसेस खुद से बेयर करोगे इससे अच्छा बेनिफिट और क्या हो सकता है। हाँ जी, वेस्ट अपने टाइम को वेस्ट करने से तो अच्छा है ना यार, घंटों घंटे सोशल मीडिया को स्क्रॉल डाउन करने से तो अच्छा है ना। पीपल वॉन्ट सक्सेसफुल, लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन टाइम को यूटिलाइज करना नहीं चाहते। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, टाइम इज मोर आई कैन से प्रीशियस देन मनी पीपल। समय कम पैसा कमाया जा सकता है, समय नहीं कमा सकते। दिन का 86,400 रुपए वेस्ट, 400 रुपए भी वेस्ट नहीं करना चाहते लेकिन 86,400 सेकेंड दिन का वेस्ट कर रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा, मेक श्योर कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो। सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए चाहिए क्या, प्लेटफॉर्म स्किल एनवायरमेंट इनिशिएटिव और आई कैन से मेंटोरशिप, प्लेटफॉर्म स्किल मेंटोरशिप एनवायरमेंट ये हम दे रहे हैं। क्या क्या, प्लेटफॉर्म स्किल मेंटोरशिप एनवायरमेंट ये हम दे रहे हैं, इनिशिएटिव तुमको लेना है। ऐसा नहीं होगा कि घर में बैठे रहो कोई इनिशिएटिव ना लो, बस ये वेबिनार देख के जिंदगी चेंज हो जाए। वेबिनार देखने से कुछ भी नहीं होगा, वेबिनार देखने से सिर्फ पुश मिलेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना बॉस।
सिर्फ कॉलेज देखने से जैसे डिग्री नहीं मिलती, वैसे ही वेबिनार देखने से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते। वेबिनार देखने से एक रास्ता मिलता है, वेबिनार देखने के बाद इनिशिएटिव लेना भी जरूरी है। अगल वाला बगल वाला कौन क्या कहेगा, क्या लेना देना, जिंदगी में आगे तो आपको बढ़ना है ना, सक्सेसफुल तो आपको होना पड़ेगा। सो मेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ पीपल। आज से कुछ समय पहले इन लोगों ने भी एडमिशन लिया था, इनिशिएटिव लिया, इनको भी डाउट था लेकिन उन्होंने भरोसा किया। अंकिता चौधरी, मिश्रा, अनिकेश सिंह चौहान, एकता जी, सायंता जी, लवेश, वरुण, प्रियंका, देयर लॉट्स ऑफ पीपल, प्रतीक्षा, काजल, जे लोग, इन लोगों ने आज से कुछ समय पहले हमारे साथ, चाहे प्रांजलि हो, दे आर डूइंग वेरी गुड, लिशिका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। बाय वॉकिंग 2 आवर्स इन अ डे बहुत खुशी होती है, बोलते हैं सर मैंने 15,000 कंप्लीट कर लिया। कोई बोलता है सर अभिषेक राज, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने अपने आप को सेल फोन गिफ्ट किया। प्रियंका का मेरे पास मैसेज आया, सर मैंने 70,000 रुपए का रिंग गिफ्ट किया अपनी मम्मी को, डायमंड रिंग, बहुत खुशी होती है। आपको समझना पड़ेगा अपने टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है कुछ यूटिलाइज करो। आपका टास्क है प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अपने दोस्त को कॉल जरूर करना और उसको थैंक यू जरूर बोलो। ऐसे दोस्त हजारों मिल जाएंगे जो बोलेंगे पार्टी चल, पब चल, घूमने चल, यहाँ चल, ऐसे दोस्त बहुत कम मिलेंगे जो बोलेंगे भाई मैं तो आगे बढ़ रहा है तू भी आगे बढ़ सकते। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू यू वांट, एक एडवांस ग्रोथ चाहिए या एक एवरेज ग्रोथ? जो एडवांस चाहिए वो हाथ उठाए जरा। हाउ मेनी पीपल, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई कैन से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। आज मेरे स्टूडेंट लाखों रुपए अर्न कर, और मैंने जो 5 साल में सीखा है उनको जो चीजें सिखा सकता हूँ वो सारी चीजें सिखाता हूँ। तो अगर आप भी मेरे मेंटोरशिप में काम करना चाहते हैं तो आपको टॉप 20 लोगों में आना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, हर वेबिनार से टॉप 20 लोगों को सिलेक्ट करता हूँ। वो टॉप 20 लोग कौन होते हैं, जो आई कैन से इंस्टेंट परचेस करते हैं। अब इंस्टेंट परचेस करने के प्रॉफिट क्या है, पहले तो 3,500 का प्रॉफिट प्रोडक्ट 2975 में मिल रहा है। मेरी पर्सनल मेंटोरशिप कल सुबह 10 बजे ट्रेनिंग होगी, उसका लिंक आपको मिलेगा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो आज एडमिशन लेंगे। और मिलेनियस प्रोग्राम जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, 4 बेनिफिट दिए जाते हैं। अब आपको इंस्टेंट परचेस करने के लिए 2975 रुपीज ही अरेंज कर, और 2,975 को इतना बड़ा अमाउंट है, जिंदगी में कितनी बार 2,975 रुपए खर्च किए होंगे पार्टी में, घूमने में, कपड़ों में, याद करो वो गैजेट जो लास्ट टाइम लिया था अभी तक यूज नहीं किए। 2,975 रुपए के जूते खरीद लेते हो रोज पहनते हो, बताओ 2,975 का ब्लेजर खरीद लेते हो शादी के लिए रोज पहनते हो क्या? 2,975 रुपए में हेयर स्ट्रेट करा लेते हो? 2,975 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो क्या 2,975 जब आप आउटर लुक पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो इनर लुक पे क्यों नहीं कर सकते? इनर लुक पे भी तो इन्वेस्ट करा, बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हो, अंदर कोई ज्ञान नहीं है तो आपकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगी। आपने देखा होगा सुंदर पिचाई को देखा होगा, भले ही बाहर से उतना अट्रैक्टिव नहीं लगते, एक ही सूट पैंट पहनते हैं, जगह वक्त एक ही सूट पैंट पहनते हैं, लेकिन आपको पता है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? आपको ये समझना पड़ेगा, आउटर लुक से ज्यादा फोकस करना चाहिए इनर लुक पे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आज भी इन्वेस्ट करते हैं, खुद की लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज पीपल आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस, लोग अपने चॉइस के ही प्रोडक्ट होते हैं। लोग बोलते हैं मैं कामयाब नाकामयाब हो गया इसकी वजह से, मैं नाकामयाब होगा इसकी वजह से, कुछ नहीं, आप नाकामयाब होते हो अपनी वजह से। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको समझ लेते हो कि ओ माय गॉड मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, फेक ना हो जाए, दिस आई कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट में फेक आई कैन से कुछ स्कैम चल रहे, लेकिन आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो 3 तरीके देखो, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है, मैंने आपको बताया BRMCA सर्टिफाइड। दूसरा तरीका देखो, क्या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांडिंग प्रोडक्ट पे काम कर रही है ताकि आगे चल के वो चले। हम डिजिटल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं जो आज डे बाय डे जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तीसरा, क्या वो कंज्यूमर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है, हम 30,000 का प्रोडक्ट 2,975 में मिल रहे हैं, इससे ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन और क्या हो सकती है? मेक सेंस पीपल, अपना दिमाग लगाओ, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आपको ये समझना पड़ेगा एक, अब आगे आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव। जैसे ही मैं ट्रेनिंग खत्म करूं, वेबिनार खत्म करो, तुरंत के तुरंत अपने दोस्त को कॉल लगाओ और पूछो कि एडमिशन कैसे करना है, पे कैसे करना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक शायरी के साथ मैं वेबिनार को खत्म करता हूँ। कहते हैं लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करता था ना तो पहले मुझे डर लगता, फिर मैंने एक शायरी सुना, कहते हैं लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। अगर लहरों से डर रहे हो तो नौका पार नहीं कर सकते। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं। कोशिश करने वाला या तो अपनी जिंदगी में सीखता है या फिर जीतता है, हारता नहीं। इसी तरीके से आप लोग कोशिश करोगे तो या तो जीतोगे या सीखोगे, हारोगे नहीं। इज दैट क्लियर पीपल?